स्वागत है जी आप सभी हमारे एक और नई वीडियो के अंदर। तो कैसे हो आप लोग, आई होप सभी अच्छे होंगे। तो पिछली वीडियो में भाई मैंने आप तो बताया था भाई ट्रैक्टर अपना रेडी हो गया और हम टूर्नामेंट में जाने की तैयारी कर रहे हैं। ट्रैक्टर तैयार कराया, टूर्नामेंट में गए, कोई मैंने वीडियो नहीं डाली, डायरेक्ट यह वीडियो डाल रहा क्योंकि भाई टूर्नामेंट कल खत्म हो गया। अगर मैं सारी की सारी वीडियो डालूंगा तो ये वीडियो लेट हो जाएगी और तब तक आप सभी ने पता है जो कहीं यूट्यूबर है वो या फिर अलग अलग टाइप तक कुछ कुछ लिख कर वीडियो यूट्यूब पर डालता है, अपने पता है हेटर्स जितने ज़्यादा ज़्यादा हम आगे जाना रहे उतने ज़्यादा ज़्यादा हमारे बढ़ने लग रहे, पहला नहीं थे इतने इन ज़्यादा बढ़ गए। तो मैंने सोचा पहला अपने चैनल पर डाल दें और फिर लोग डालते रहोगे वह एक अलग बात बाकी। तो पहले तो मैं बता दूँ भाई अपना जो ट्रैक्टर है उसकी जो पोजीशन है वो फोर्थ आई है, मतलब फर्स्ट वहाँ पर चार ही नाम थे वहाँ पर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। तो अपना ट्रैक्टर फोर्थ आया और बाकी वीडियो में आगे चल कर बात करेंगे। पहला राउंड आप देखो सोनालिका 750 है, पता नहीं कौन सा ट्रैक्टर है, इसके साथ हुआ था। तो भाई अपने आने का नंबर ऐड हो सकेगा सोनालिका के साथ, सफाई कर लो एक बारी। बेहतर मन आप तेईस दिन ना तेईस है भाई, ऊंचा होगा यू तेईस है भाई, तेईस है भाई, तेईस पे भाई एक इंच कर सको होगा ब्रो। अरे पहले नहीं चल लगी भाई हुक्म कती भी पूरी मारवाड़ी तो एक इंच कर सको होगा। मतलब जो अपने वाले ट्रैक्टर का उक है वो, मतलब जो अपना पुराना उक था वो तो यार पुराना हो गया था, टूट रखा था, तो हमने वो तो जोड़ा नहीं। सोनू का जो नया ट्रैक्टर उसका उक जोड़ रखा था और उस उक में पता क्या चक्कर हो रहा था, उसमें या तो ट्रैक्टर का उक 23 इंच पर हुआ था या फिर उस 27-28 इंच पर हुआ था। तो मजबूरी हमारी थी यार 24 इंच पर लगे नहीं रहा था यार, स्पेसर लगावा स्पेसर नहीं लगा दे मैं, ठीक है उक हो भाई उक ऊपर कर लो, ऊपर करा तो फिर 27-28 इंच पर जाओ यार, नीचे करें तो ज़्यादा नीचे जाओ चले जाओ कम से कम 21-22 इंच पर। तो बड़ी मुश्किल था उनकी, मतलब मिन्नतें करनी पड़ी इस खातर भी हमने भाई स्पेसर लान दो। सारे ट्रैक्टर वाला ने बोलिया जब वो माने भाई हाँ चलो ठीक है स्पेसर लगा लो, फिर भाई स्पेसर लगाए ट्रैक्टर के हुक्म में। स्पेसर लगाने के बाद भी अपने ट्रैक्टर कितने स्पेसर लगाए, स्पेसर मैं आपको दिखाऊंगा कोड कैसे कैसे स्पेसर देखे थी, बिल्कुल जैसे एक पेज नहीं होता बिल्कुल पतला सा, उतने पतले पतले स्पेसर थे वो। और कम से कम भी अगर 10 स्पेसर अगर हम लगाओगे तो एक या डेढ़ इंच बढ़ेगा, तो उन्होंने 4 या 5 स्पेसर लगाने दिए, उस तरह ट्रैक्टर 23 इंच पर उगा गया उसका। हाउलो या भाई कोई बात नहीं, राम तले आराम तक टाइगर का चढ़ा ले सोनू का था नहीं मना बुआ रिमांड क्यों रहा है। भाई अपना फाइनल जीत गया ग्राउंड, तो यो ट्राई मैच कराया भाई दूसरा भाई ट्राई मैच था भाई अपना, बाकी फर्स्ट राउंड जीत गया ट्राई मैच था यो। एक नंबर अच्छा दे रहा भाई, पूछा हालत ही एक नंबर रिस्पॉन्स है।
तो भाई अपना राउंड हो गया कंप्लीट, इस ट्रैक्टर के साथ था सोमालिका के साथ विक्रम भाई चला था इसने। सेकंड राउंड में जा लिया अपने वाला, सेकंड राउंड आ गया भाई अपने आले का। सेकंड राउंड में मैच है जो डियर के साथ ही, देखते हैं क्या रहती है स्पॉन्सर रहता। उन्होंने चार या पांच स्पेसर लगा दिए, उसका ट्रैक्टर 23.5 इंच पर उगा गया उसका, और जो उन वाला जॉन डियर था वो 25 इंच पर तो वैसे ही उसका उगता, और अगर उठा देते थे तो 25.5 इंच पर उसका उग जाता। तो फिर वो बोला भाई ना ना हम तो यहीं पर रखेंगे, और अगर तन्ना करना तो तू अपना ऊपर कर सका है, ऊपर मेरा लड़का होता नहीं। फिर भी हमने बात नहीं भाई यार तू ऐसे ही जोड़ दे यार, मां चल यार हाँ आर होगी तो भी ठीक है, मैंने पता था वहाँ बहुत चीटिंग करे। मैंने पता था वहां पर चीटिंग करे, और उनका ट्रैक्टर जिद्दा मैं यहाँ बात कर ला रहा भाई, उनका ट्रैक्टर की तैयारी भी एक नंबर की हो रही थी, और उनका ट्रैक्टर चलता भी एक नंबर। हकीकत बात है उनका ट्रैक्टर जीतता अगर वो ये चीटिंग ना करते तो उकाड़ी, ठीक है। भगवान ऊपर वाला भाई हर एक चीज़ देखा है, उन्होंने चीटिंग करी तभी उनका ट्रैक्टर आ रहा, नहीं उनका ट्रैक्टर अपने वाला ट्रैक्टर तो भी अच्छे तरीके से चल रहा था, टायरों की सेटिंग ने देखा भी और एक तरीके ने भी। हालांकि एक राउंड वो जीत भी कहा था मारता है, लेकिन वही बात है भाई जो चीटिंग करेगा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आ रहेगा। फिर उसके बाद मतलब ट्रैक्टर थोड़े यार थे, इतने ट्रैक्टर नहीं आ रहे थे वहाँ पर, मेरे ख्याल था 10 पता नहीं 12 ट्रैक्टर के आसपास ट्रैक्टर थे, तो इतना फिर भी ज़्यादा टाइम लग गया। उसके बाद एक और मैच होया अपने ट्रैक्टर का, उस मैच में अपना ट्रैक्टर भाई बंद हो गया था, क्योंकि बस भाई मैंने भी नहीं पता सच्ची बताऊँ तो बंद क्यों गया, गेयर डाल दिया मैंने, लोग आती खरा गेयर डाल रखा 1500 रुपये में छोटी क्लच, इतना सा चला गया और बंद हो गया। चलो भाई कोई बात नहीं, वो हो गया तो हो गया, अब हम क्या ले रहे भाई। फिर और उस अगले राउंड में क्या होया भाई, जब क्लच छोड़ी तो अपने ट्रैक्टर लेके चल पड़ा, लोग तीसरे गियर में था, हालांकि क्लच दबानी अलाउड नहीं है, लेकिन पंजाब में रूल अपने हरियाणा में तो है ना, उन्होंने बता रखा था भाई क्लच के झटके भी दिए सारे काम करे, फिर भी ट्रैक्टर मतलब अपना दबा रहा, पता नहीं के चक्कर होया दब गया ट्रैक्टर, और जब उठा फिर अपना पीछे की तरफ खिंच गया। उस तो अगले राउंड में होया भाई, एक राउंड तो अगला बंदा जीत गया, एक राउंड मैं जीत गया, और तीसरे राउंड में मैंने क्लच क्लच अब एक बात बताओ ठीक है, एक ट्रैक्टर यहाँ पर, एक ट्रैक्टर उस साइड है ठीक है, एक ट्रैक्टर इस साइड, एक ट्रैक्टर उस साइड, और सेंटर में जब वो दोनों सेंटर में आते हैं तो जो रेफरी होता है कम से कम भी 4 या 3 या 5 सेकंड नॉर्मली बेसिक ही बात है यार, मैं आपको कहूँगा भाई जहाँ पर भी जाओ ना सबकी बुराई करने लग जाए, सबकी बुराई करने लग जाए भाई, मैं प्रूफ के साथ बात बता रहा यार, मैं मतलब मन मिला के एक छोटी बात होता है, मन मिला के
ठीक है, मैंने कुछ नहीं मिला, मैं प्रूफ के साथ बात बता रहा। बाकी मतलब जब सेंटर में आ जाएगा ट्रैक्टर तो उसके सेंटर मारने के 3 या 4 सेकंड बाद होल्ड करता है जो रेफरी होता है, भाई इसको यहाँ पे रोक के रखो, इधर भी ना जाने देगा इधर, और जब 3 या 4 सेकंड हो जाती है ना तब वो ऐसे झंडी नीचे डालता है, झंडी होती है जो भी मतलब उसके हाथ में रखा होता है वो तब नीचे डालता है। उसने कुछ नहीं करा, ट्रैक्टर इतना 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 आराम से चले जा रहा है, एकदम झंडी नीचे करा दी। मैंने तो क्लच छोड़ी है को नहीं यार, मैं क्लच क्यों छोड़ू, मैं क्लच छोड़ दूंगा फिर कहते तो क्लच छोड़ दी यार तू तेरा आ गया, मैंने क्लच नहीं छोड़ी, और फिर कहते फिर भी कहते इतना क्लच नहीं छोड़ी तो फिर भी तेरा ट्रैक्टर आ रहा मानना। मैं चलो कोई बात नहीं भाई, फिर भाई अगर जब इतना चल उसकी कोई बात नहीं भाई, मेरे टाइम पर क्लच नहीं छूटी, चलिए मेरी गलती, ट्रैक्टर मारा बंद हो गया था वो तो है ही मेरी गलती, मतलब मेरे ट्रैक्टर मारी किस्मत में कुछ भी लगा लो, चलो वो तो हो गया कोई बात नहीं, किसी के साथ भी हो जाए हो गया कोई बात नहीं। तो जो चौथा इनाम था वो कह रहे भाई इनाम ले जाओ, जो रेफरी है उसने बोलने का सेंस नहीं, गाड़ी देकर बोल रहा है यार, बता गाड़ी देख है बस, वो तो यार ये लगा लो 140 किलोमीटर हमारे यहाँ 130-140 किलोमीटर, अब इतनी दूर यार ओबियसली बात है यार इतनी दूर जाऊंगे अगले बंद उनकी कमेटी उनके गांव के आदमी, हालांकि उनके गांव के आदमी तो ना बाद में साइड आया कहते यार ये तो हर साल ऐसा ही मतलब कर, मतलब कुछ उनकी बुराई कर रहे थे, चलो तो हमने क्या लेना, तो उनके आपस की बात है। बाकी मैं यार सारी कमेटी इनके आदमी इनके इनके साथ क्या लड़ाई करा यार, बता वहाँ तपाई हो जाती लड़ाई हो जाती, फिर बाद में यूट्यूब पर फिर नहीं सुना, ये कर दिया वो कर दिया फलाना कर दिया ढिमक्का कर दिया। मैं कहा चल कोई बात नहीं, ना तो हमने इनाम चंदा, ना तो हमने उनकी ट्रॉफी ली, ना हमने उनका इनाम लिया, कोई बात नहीं भाई हमने अपना ट्रैक्टर आ रहा मान लिया, हम अपने घर पर आ गए। बाकी हाँ एक बात है, जितने और मतलब मैच हुए ना किसी में उन्होंने मतलब और ट्रैक्टर के साथ मैच हुए, हमारे साथ भी कोई उन्होंने चीटिंग नहीं की, जब उनका ट्रैक्टर आया ना, जब उनका ट्रैक्टर आया जब तब उन्होंने चीटिंग करी पूरी कोशिश करी, जब मतलब स्टार्टिंग में सोनाली के साथ टोचन होया तब भी कोई चीटिंग नहीं करी, फाइनल तक कोई चीटिंग नहीं चली, मतलब ठीक था सारा कुछ, लेकिन जब उनके अपने ट्रैक्टर के ऊपर बात आई ना तो थोड़ा बहुत फर्क था इस चीज़ में। कोई बात नहीं, बाकी अपना फिर भी दिल खुश है, जितने भी मतलब टोचन करे एक तरफा ट्रैक्टर नहीं आ रहा, एक बार तो भाई उसकी गेयर बड़ा बंद होने की कमी के कारण आ गया था, एक बार उन्होंने यार कलचे नहीं छोड़ने दी, कोई बात नहीं यार आगे फिर देखेंगे कड़ी और हाथ पाँव मारेंगे कड़ी और अच्छे तरीके से ट्रैक्टर ना, और जो मतलब जो की बारी में ट्रैक्टर बंद हो गया छोटी मोटी जो कमी थी उसने सुधारेंगे अपने ने। मिलते हैं कल और कल दिखाऊंगा भी कैसे कैसे ट्रैक्टर तैयार किया, दुखी देखो यार कितने हो यार, जब टूर्नामेंट में बाहर जाओ ना तो यार थोड़ा सा देख लो यार बंदे कितनी दूर था, दुखी हो गए यार, और तुम फिर उनके साथ यार ऐसा करो कम से कम, चल चीटिंग कर ली कुछ कर लिया, कम से कम बोलने की तो सेंस रखो यार, किसी तो गाड़ी गुड़ी देकर तो ना बोलो यार, किसी का धक्का धुक्का तो ना मारो यार, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखा करो यार, थर जो टूर्नामेंट करा रहे हम तो भाई थारी उम्र के आधे हैं, ये उम्र दे 21 साल की 22 साल की 20 साल की या उम्र है जो मतलब ग्रुप में जाते हैं उनकी सभी की इसी एज के हैं यार, घर वाले यार ट्रैक्टर देकर भेजे हैं, इतना आदमी टाइम निकाल कर रिक्स लेकर रात के टाइम पर धुंध भी होगा सारा कुछ रोड पर चलना पड़ा, थोड़ा बहुत सोच लिया करो यार, कुछ नहीं जानता थोड़ा बहुत सोच लिया करो, थोड़ा हा ईमानदारी दिखा करो और थोड़ा बहुत सेंस तक बोलना सीखो, बड़े हो तो मरता है तो बढ़ाया सारा, बाकी कोई बात नहीं, मिलते हैं कल और एक नई वीडियो के साथ, कल तक के लिए बाय बाय।